खबर के प्रायोजक है महादेव मार्बल एंड ग्रेनाइट। प्रोजगु दादा राजस्थान वाले। 11 वर्षों से सुल्तानपुर की बड़ी बिल्डिंगों पर राज करने वाले महादेव मार्बल एंड ग्रेनाइट। मार्बल ग्रेनाइट की हर तरह की डिजाइन में वैरायटी उपलब्ध करें उचित रेट पर। पता महार चौराहा लखनऊ रोड सुल्तानपुर। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। खबर है यूपी के प्रयागराज से। अतीक अशरफ हत्याकांड में 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड। तीनों शूटर्स को 4 दिन की पुलिस रिमांड मिली। क्राइम सीन रिक्रिएट किया जा सकता है। आपको हम बता दें कि अतीक अशरफ हत्याकांड की 3 दिन का बुधवार को प्रयागराज में शाहगंज थाने के 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। एसआईटी की पूछताछ के बाद पुलिस विभाग ने ये एक्शन लिया है, जिन पर यह कार्रवाई की गई है। उनमें एसओ अश्वनी कुमार सिंह के अलावा 2 सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल भी शामिल हैं। उधर तीनों आरोपी शूटर्स लवलेश, सनी और अरुण को प्रयागराज से CGM कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने पुलिस को 4 दिन की रिमांड दे दी है। पुलिस ने 7 दिन की रिमांड मांगी थी। CGM कोर्ट नंबर 10 में जज दिनेश कुमार गौतम ने रिमांड का फैसला सुनाया है। SIT तीनों को किसी सीक्रेट प्लेस कर गई है। वहीं उपयुक्त क्राइम सतीश चंद्र, SP सत्येंद्र तिवारी और इंस्पेक्टर ओम प्रकाश तीनों से पूछताछ कर रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि पुलिस ने इनके लिए 100 सवाल तैयार किए हैं। पुलिस को इन आरोपियों के मोबाइल की तलाश है। इनसे यह पता करने की कोशिश की जाएगी आखिरी वक्त ये किन लोगों के संपर्क में थे। उधर बुधवार को प्रयागराज पुलिस ने अतीक गैंग के शूटर असाद कालिया को भी गिरफ्तार कर लिया। उस पर 50,000 का इनाम था। असाद कालिया को अतीक गैंग का फाइनेंसर बताया जाता है। पुलिस अब उनसे पूछताछ कर रही है। आपको हम बता दें कि तीनों हमलावरों को सुबह CGM कोर्ट में सख्त सुरक्षा के बीच लाया गया। जांच एजेंसियों को इन पर हमले के इनपुट्स मिले थे। तीनों हमलावरों को 17 अप्रैल को प्रयागराज जेल से प्रतापगढ़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। प्रयागराज में क्वालिन हॉस्पिटल में बाहर 15 अप्रैल की रात करीब 10:30 बजे पुलिस सुरक्षा के बीच गोलियां मारकर अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या कर दी गई थी। इस हत्या का आरोप लवलेश, सनी और अरुण पर है। इसके बाद तीनों ने सरेंडर भी कर दिया था। आपको हम बता दें कि तीनों हमलावरों को पहले प्रयागराज नैनी जेल से रखा गया था, लेकिन अतीक का एक बेटा अली भी नैनी जेल में है। लिहाजा गैंगवार की आशंका के चलते तीनों हमलावरों को प्रतापगढ़ जिला जेल में शिफ्ट कर दिया गया। तीनों ले जाएंगे ये वाला भी है काला जो पहने।